नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एनर्जेटिक एपिसोड में इनोवेट अंकुश शर्मा के। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फाइट की जो हमारी लाइफ की फाइट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। इंटेलिजेंस कुछ कहता है, इमोशंस कुछ कहता है। इंटेलिजेंस कहता है सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सैर करनी चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है। और इमोशंस कहता है ठंड बहुत है, कल करेंगे। इंटेलिजेंस कहता है पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बर्गर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, अच्छे नहीं है। और इमोशंस कहते हैं टेस्टी बहुत होते हैं, इसलिए खाने चाहिए। इंटेलिजेंस कहता है रोज प्लान दिखाना चाहिए, रोज डेली लोगों से मिलना चाहिए। और इमोशंस कहता है लोग क्या कहेंगे, कैसे बात करेंगे लोगों के साथ। इंटेलिजेंस कहता है शादी पे नहीं जाकर मीटिंग में जाना चाहिए। इमोशंस कहता है शादी में चलते हैं, वहां पे नए नए लोग आए होंगे, काफी रिश्तेदार होंगे, खाने पीने को बहुत कुछ होगा, तो शादी पे जाए। इंटेलिजेंस कहता है कि ये जो 40-50 हजार रुपए की एकदम से इनकम आई है, इसको डालते हैं बैंक में, ताकि जो हमारा लोन है वो जल्दी से कवर अप हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। और इमोशंस कहते हैं नहीं, फैमिली को शॉपिंग कराते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, अभी घूमने फिरने जाते हैं, कुछ बाइक वगैरह या कोई कार की ईएमआई में और कुछ डाउन पेमेंट देके नई कार लाते हैं। ये इमोशंस कहते हैं आपकी लाइफ की जो फाइट है इंटेलिजेंस वर्सेस इमोशंस की। जिस दिन आपके इस फाइट में इंटेलिजेंस जीतना शुरू हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में जीतना शुरू हो जाएंगे। इंटेलिजेंस कहता है अपलाइन की बात सुननी चाहिए, रोज प्लान दिखाना चाहिए, अपना प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, डाउनलाइन को सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। और इमोशंस कहते हैं अपलाइन का दिमाग यूज नहीं करना चाहिए, दिमाग अपना यूज करना चाहिए, बॉडी अपलाइन की यूज करनी चाहिए, उसको प्लान दिखाना चाहिए, मेरे को काम नहीं करना चाहिए, मैं फ्रीडम के लिए आया हूँ, मैं फ्रीडम से लाइफ जीता हूँ और यहाँ पे काम किसी और से कर लूंगा। ये इमोशंस कहते हैं लाइफ में, स्पेशली इस बिजनेस में कामयाबी इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं, इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। जिस दिन इमोशंस आप पे हावी हो गए, उस दिन आपका माइंड आपको चलाएगा, फिर जो आपका माइंड बोलेगा वो आप करोगे। और जिस दिन इंटेलिजेंस आप पे हावी होगी, फिर आप अपने माइंड को चलाओगे। लीडर वो जो इंटेलिजेंस को फोकस करता है, इमोशंस को लाइफ से निकाल देता है। आप देखो कईयों पे, मैं देखता हूँ कई लोग बोलते हैं ना पंडित जी ने बोला हमारे पे शनि भारी है, कईयों पे शनि भारी होता है। और आज की डेट में वो शनि किस नाम पे है, वो शनि है इमोशंस के नाम। मैं इमोशंस को हमेशा शनि बोलता हूँ। अगर आप पे इमोशंस भारी है, इसका मतलब आप पे शनि का प्रभाव है। अगर आप अपनी लाइफ से उस शनि को निकालना चाहते हो, इन इमोशंस को खत्म कर दो। आप ध्यान से देखो अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका एकमात्र कारण है बिकॉज ऑफ इमोशंस। आपके इन इमोशंस के कारण आपकी 100% प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, वो इस प्रॉब्लम की वजह से है। हो सकता है आपको कोई डिजीज हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो इस इमोशंस के कारण है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा डाइटरी हैबिट्स, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं डेवलप की, जिसके कारण से वो आपको बीमारी लगी। हो सकता है आज आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है, वो कम पैसा होने का कारण क्या है, आपके इमोशंस की। जब आपके पास पैसा आया, आपने इंटेलिजेंस की नहीं सुनी, सेविंग्स में नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया, उसको अपने ऊपर खर्च कर दिया कपड़ों पे, और इसलिए आज आपके पास पैसा कम है। हो सकता है आज आपके साथ किसी का रिलेशन खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि आपने उस टाइम इमोशन की सुनी, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको कहा सुना, कुछ बुरा बोल दिया, आज आपका वो रिलेशन खत्म हो गया बिकॉज ऑफ इमोशंस। अगर आप इंटेलिजेंस की सुनते तो आप इन्वेस्टमेंट भी करते, आप बैंक का लोन भी खत्म करते, आप उसको कहा सुना बुरा ना बोलते, आप रिलेशन की प्रायोरिटी बना के रखते, तो आज वो इमोशंस, आज वो रिलेशन आपके साथ अच्छा होता। लाइफ में हमेशा इंटेलिजेंस की सुनो। इंटेलिजेंस अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो अपने इंटेलिजेंस की सुनो। जो आपकी इंटेलिजेंस कहती है उसको फॉलो करो, इमोशंस को फॉलो मत करो। सो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दबाइए उस बेल आइकन को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। आप अपने डाउनलाइन में इन वीडियोस की हैबिट डालिए और अपना बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कीजिए। कुछ भी जानकारी लेनी है, कुछ भी सलाह करनी है, तो हमें जब मर्जी कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।